भारतीय जनता पार्टी को विप्र समाज मां भारती की पार्टी मानती है। भाजपा की सरकार बनाने में विप्र समाज की भूमिका अग्रणी रही है। मोदी के नेतृत्व में भारत और भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मोदी की जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीबों को उनका हक दिला रहे हैं और गुंडों एवं माफियाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। ये बातें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पुलिस लाइन स्थित एक गेस्ट हाउस में वर्चुअल रूप से जुड़कर प्रभारी मतदाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए हमारी जिम्मेदारी है आगामी निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने ना पाए और हर वार्ड और मेयर जीतकर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के विजय का शंखनाद कर दे, क्योंकि यहां से निकली आवाज पूरे देशवासियों की आवाज होती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही हम सबको साथ रख करके लगातार मजबूती देने का काम कर रही है। हम सब प्रबुद्ध वर्ग के हैं और जब जब अपने प्रदेश में ऐसी स्थितियां बनी है, जब और भी मजबूती देने की बात आई है, समाज में कोई उल्लेखनीय काम करने का समय आया है, तो हम कुछ अपने पढ़कर की अगुवाई की है। बहुत अधिक लंबे समय के इतिहास पर नजर डालते हुए सीरियल सीधे वर्ष 2014 के बाद से लेकर के अब तक के इतिहास पर हम सब नजर डालना चाहेंगे। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विप्र समाज की शान है और इस शान को हमें बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही है और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को उनका हक दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। नगर निकाय के चुनाव शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी मतदाताओं का सम्मेलन प्रारंभ किया है। ये सम्मेलन हमारा संवादी सम्मेलन है, जिस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में प्रभावी लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारा समर्थन करें और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको जिताएं। देखिए 2014 से 17 से 19 से 22 और अब हम 24 की ओर अग्रसर हैं, लेकिन आप देख लीजिए मोदी जी के नाम पर उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ योगी जी के भी कार्यकाल की अत्यधिक प्रशंसा हो रही है। तो जिस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं, स्पष्ट है कि लोग अपना मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना। ये प्रभारी मतदाता सम्मेलन है और इसके माध्यम से जो हमारे मतदाता है उनको जागरूकता करने के लिए है और सर्व समाज को लेकर और जिस तरह से ये समाज को आगे बढ़ाए और समाज के हर लोग अपने प्रभावपूर्ण ढंग से मतदाताओं को जोड़ने का काम, मतदाताओं को एक तरह से जागरूक करने का काम करें, उसी का काम है। और हम सब आज के मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक जी थे, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनका उन्होंने संदेश दिया है कि हम लोग आने वाले निकाय चुनाव में बहुत ताकत के साथ सभी मतदाताओं को जोड़ें और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इसी मंत्र के साथ आगामी होने वाले नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी मतदाता सम्मेलन माननीय हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है और सब लोगों ने एक स्वर से ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाएगी, सारी पार्टी फूल के साथ कमल के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भाजपा भरपूर बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीतने जा रही है और हमारी डबल इंजन के साथ यहाँ पे लोकल इंजन की भी सरकार बनने जा रही है और ये जनसमूह इस बात का
समूह है, सारा समाज, खास करके सारे समाज के लोग आज यहाँ पे हर्षवर्धन वाजपेयी के उसमें आए हैं। हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने अभी सारी सभा को संबोधित किया है और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है, जो खुशी है, उसको देख के हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। आज आपने देखा कि किस तरीके से इस मतदाता सम्मेलन में भारी संख्या में हमारे विप्र भाई और कार्यकर्ता साथी आए हैं, तो इसमें दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है। और चुनाव की शुरुआत ही हम लोग एक बहुत ही हाई टेम्पो पे कर रहे हैं, हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा है, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज़्यादा है। तो इस भीड़ को देख के, इस उत्साह को देख के मुझे लगता है कि हम लोग पिछली बार भी नंबर वन थे पूरे ज़िले में, अब की बार भी सबसे ज़्यादा सभासद और महापौर के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट शहर उत्तरी विधानसभा से हम लोग दिलाएंगे। और हमारे जो विप्र भाई और कार्यकर्ता भाई इस सम्मेलन में पूरे ज़िले से आए हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभासद और टाउन एरिया के चेयरमैन भी जिताने का काम करेंगे।